कालकाजी थाना पुलिस ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और 2 iPhone बरामद करने के साथ कालकाजी थाने में ही दर्ज एक मोबाइल चोरी की ऑनलाइन FIR का मामला भी सुलझ गया है। पकड़े गए आरोपी 28 वर्षीय भीम बहादुर पर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। सोमवार को इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में SI मनु देव, हेड कांस्टेबल अजय, हेड कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल राजकुमार और कांस्टेबल देवेंद्र की एक टीम कालका मंदिर के पास NSIC के सामने चेकपोस्ट लगाकर आने जाने वाले लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कालकाजी मंदिर की ओर से एक युवक आता दिखाई दिया। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो वो युवक अपना अलग अलग नाम और पता बताकर पुलिस को गुमराह करने लगा। ACP कालकाजी के निर्देश पर कालकाजी थाना SHO ने FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और वाहन ऐप जैसे लेटेस्ट तकनीकी उपकरणों से अपने थाना स्टाफ को पहले से ही ट्रेन किया हुआ है। थाना प्रभारी द्वारा दी गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस टीम ने ई-बीट बुक ऐप के जरिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से उसकी पहचान शुरू की तो आरोपी की पहचान भीम बहादुर के रूप में हुई। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो एक मोबाइल फोन और 2 iPhone मिले। जांच के दौरान पता चला कि तीनों मोबाइल फोन कालकाजी के ई ब्लॉक के एक घर से चोरी किए गए हैं, जिसकी ऑनलाइन FIR नंबर 00535/21 under Section 379 IPC दर्ज है। पुलिस ने आरोपी भीम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी भीम बहादुर ने बताया कि उसकी उम्र 28 वर्ष और उसके पिता का नाम लाल बहादुर है। उसने 3री कक्षा तक पढ़ाई की है। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी का रहने वाला है। वो शराब का आदि है। वो अपनी लत को पूरा करने के लिए अपराध करता है। वो पहले चोरी और सेंधमारी के 8 मामलों में शामिल था। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है और इससे अपराध पर कैसे काबू पाया जा सकता है, यह सभी जानकारी आप हमारे इसी वीडियो में देख सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की ई बीट बुक एक वृहद प्रयास है वर्षों पुरानी एक बीट पुस्तिका को डिजिटल और कनेक्टेड बनाने का। अपने मूल रूप में बीट थाने की सबसे छोटी इकाई की पुलिस कार्य संबंधी समस्त जानकारियों का कोष होती है। अब इसी बीट पुस्तिका को न सिर्फ डिजिटल बना दिया गया है, अपितु सुरक्षित सर्वर के माध्यम से इस ई बीट बुक को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम उत्कृष्ट डेटाबेस से भी जोड़ दिया गया है। मानो एक छोटे से गागर को एक अविरल सागर से जोड़ दिया गया है। ई बीट बुक के माध्यम से कई महत्वपूर्ण डाटाबेस जैसे CCTNS, ICJS, PMS, वाहन बस एक बटन के दबाने से बीट अफसर के सशक्तिकरण को उपलब्ध है। ई बीट बुक दिल्ली पुलिस के समस्त अन्य मुख्य सिस्टम से भी जुड़ी हुई है। अब बीट अफसर को इन सारे सिस्टम में उपलब्ध डेटा जैसे कि बैंक, ATM, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वाइन शॉप, रेस्टोरेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मंदिर, मस्जिद, क्रिमिनल डेटा, चोरी वाहन डेटा, चोरी मोबाइल डेटा, गाड़ी रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर लाइसेंस, जेल, बेल रिलीज, कन्विक्शन व अन्य डेटा को मौके पर अपने एरिया में एक ही जगह पर एक ही डिवाइस से इस्तेमाल कर पाएगा। अभी तक इन सब सेवाओं के लिए उसको थाने या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। इसमें उपलब्ध फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से पिछले एक महीने में कुछ बेहतरीन परिणाम मिले हैं। थाना साउथ कैंपस, थाना विकासपुरी व थाना कालकाजी में अपराध सफलतापूर्वक विवेचन इसके माध्यम से संभव हुआ। इस ई बीट बुक में महिला और बाल सुरक्षा की दिशा में विशेष प्रयोजन किए गए हैं, जैसे क्राइम मैपिंग, पहचान स्कीम और महिला सिक्योरिटी। और ई बीट बुक का एक अनोखा पहलू ये भी है कि अब 112 नंबर पर आने वाली सभी इमरजेंसी कॉल्स अब थाने और PCR की गाड़ियों के साथ साथ सीधे संबंधित बीट अफसर के पास भी आएंगी, जिससे रिस्पांस टाइम और बेहतर हो सकेगा। स्थानीय पुलिस से जुड़ी जनता की तमाम छोटी बड़ी आवश्यकताएं अब CCTNS और दिल्ली पुलिस के तत्पर ऐप से होते हुए सीधे संबंधित बीट अफसर के पास पहुंचेंगे। इस सिस्टम के संचालन के लिए हर थाने लेवल पर एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया है, जिसका कार्य मुख्यतः
अपने थाना क्षेत्र के सभी अफसरों को इस सिस्टम के बारे में अवगत कराना और काम की समीक्षा करना है। हर जिले में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है ताकि जिला पुलिस उपायुक्त 24 घंटे इस सिस्टम की समीक्षा कर सके। इस सिस्टम का एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से सीनियर अफसर पूरी दिल्ली की गतिविधियों की समीक्षा कर सकेंगे। जनता की सेवा और सुरक्षा का एक नया अध्याय इस ई बीट बुक से आरंभ होने जा रहा है। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।